मलेरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। पैथोजेनिक जो होता है प्लेजोमोडियम होता है, एंड 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 द बैक्टीरिया ऑफ प्लेजोमोडियम इज द फीमेल एनोफिल मॉस्किटो विच ट्रांसफर द स्पोरोजाइट इन्फेक्शन फॉर्म। जो एनोफिल मॉस्किटो जो होते हैं, एक मच्छर का नाम है जो अपने जो स्पोरोजाइट होते हैं वो ट्रांसफर करता है इन्फेक्शन फॉर्म से। मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड, मलेरिया को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? किलिंग मॉस्किटो, मॉस्किटो को हम कैसे मार सकते हैं? बाय स्पेरिंग डीडीटी, स्पेरिंग करो डीडीटी बीएच एक्सेट्रास, एंड यूजिंग यूजिंग इंसेक्ट रेप्लिकेट्स, मॉस्किटोज नेट्स एंड एक्सेट्रा। मतलब मच्छरदानी लगाने से मॉस्किटो वगैरह अंदर नहीं आते। लाइफ साइकिल ऑफ प्लेजोमोडियम क्या क्या होती है? प्लेजोमोडियम रिक्वायर्स टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल ह्यूमन एंड मॉस्किटो। जो प्लेजोमोडियम की लाइफ साइकिल होती है वो टू टाइप्स, उसके लिए कंप्लीट करने के लिए हमें टू होस्ट चाहिए होते हैं। होस्ट तो एक तो हो गया ह्यूमन चाहिए होगा, या भी मॉस्किटो चाहिए। अगर मॉस्किटो नहीं होगा तो मलेरिया कैसे होगा? और मॉस्किटो होगा तो ह्यूमन भी चाहिए होगा, क्योंकि ह्यूमन में वाइट करेगा इसलिए ह्यूमन भी चाहिए होगा। द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल मॉस्किटो विच ट्रांसफर द इन्फेक्शन 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 फ्रॉम ऑफ प्लेजोमोडियम स्पेरोजाइट टू द ह्यूमन बॉडी बाय बीचिंग। जो इन्फेक्शन इन फीमेल एनोफिल मॉस्किटो है वो ट्रांसफर कैसे करती है? वो ट्रांसफर करती है इन्फेक्शन फ्रॉम प्लेजोमोडियम स्पोरोजाइट, स्पोरोजाइट इसमें कॉमन चीज़ है आपको लिखनी पड़ेगी, स्पोरोजाइट्स टू द ह्यूमन बॉडी बाय बीचिंग। जब वो मच्छर को, मच्छर हमें काटता है तो जो कुछ वो इन्फेक्शन फॉर्म करता है, उसमें इन्फेक्शन करता है वो प्लेजोमोडियम इन्फेक्शन फॉर्म्स। एंड देन सेकेंड, जो जब जब वो अंदर आ गया तो बीटिंग कर लिया, तो देन नेक्स्ट क्या होगा? तो स्पोरोजाइट रीच अ लिवर सेल व्हेन दे मल्टीप्लाई, वो लिवर सेल में आएगा और पोस्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज फॉलोड बाय द अटैक ऑन द आरबीसी, रिलीज अ टैक्सिन इज कॉल्ड होमोजिक्स होमोजाइन। मतलब वो रिलीज कर देगी टैक्सिन, अटैक करेगा तो होमोजाइन होगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमें फीवर आता है, हाई फीवर एक्सेट्रा के लिए। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमें फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, अब देन फोर्थ फिफ्थ स्टेप। द स्पेरोजाइट्स एंटर द फीमेल एनोफिल मॉस्किटोज व्हेन दे बाइट इन्फेक्टेड पर्सन इन द बॉडी मॉस्किटो। और फिर हमने बाइट कर दिया, जिसने बाइट कर लिया, देखो इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटोज दे फर्टिलाइज फर्टाइल्स फर्टाइल्स एंड मल्टीप्लाई इन द स्टोमच वॉल। स्पोरोजाइट्स आर नाउ स्टोर इन द सलाइवरी ग्लैंड एंड स्टोर इन द सलाइवरी ग्लैंड एंड मॉस्किटो टिल अगेन ट्रांसफर टू ह्यूमन बॉडी, ट्रांसफर इन मॉस्किटो बाइट आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी और इवेंट्स आर रिपीटेड। मतलब जो मलेरिया है हमारा, ये मलेरिया के लिए हमें, आप अगर एग्जाम के लिए 5 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन की व्हाट इज अ मलेरिया लाइफ साइकिल ऑफ प्लेजोमोडियम, तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लेजोमोडियम में आपको 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेप्स बहुत रिक्वायर्ड है। फर्स्ट होता है कि प्लेजोमोडियम रिक्वायर्स टू होस्ट ही होते हैं, अगर मलेरिया कंप्लीट, प्लेजोमोडियम जो होता है रिक्वायर्स करते हैं टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल ह्यूमन एंड मॉस्किटो। सेकेंड होता है द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल मॉस्किटो ट्रांसफर द इन्फेक्शन फ्रॉम द प्लेजोमोडियम स्पोरोसाइट्स टू ह्यूमन बीटिंग बाय बीटिंग, बीटिंग के द्वारा ही होगा। द स्पोरोसाइट जो होगा, जो बीटिंग करके वो लिवर सेल में जाएगा, बहुत मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो वो आरबीसी में अटैक करेगा तो जो हमें हाई फीवर आता है उसके रिस्पॉन्सिबल करता है। और जो फिर सब हो गया उसके बाद नहीं, नहीं।